चल रही है। देखिए आप लोग मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ। जहाँ मुझे लगा कि कोई मुझे झूठ बोल रहा है या किसी भी केस में मैंने कोई डिफॉल्ट पकड़ा तो मैं केस वहीं पे छोड़ देती हूँ। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम माई एंड। अच्छा दूसरी बात, जो जुबैर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझसे पूछे बिना सेटलमेंट नहीं करना, तो जाहिर सी बात है तूने कंप्लेंट आके मुझे दिया है, मैं तेरे लिए लड़ रही हूँ, तो मैं ये बोलूंगी ना कि भाई तू जो कॉम्प्रोमाइज करेगा वो मुझसे पूछ के करना। तेरा मोटिव तो ये है ना कि तुझे बिग बॉस में अंदर जाना है, दूसरा कोई मोटिव नहीं है। आई हैव अंडरस्टूड। और दूसरी बात, जो आपने जैसे पूछा कि ये जो चर्चे में चल रहे हम दोनों की बहस, वो ये है कि मैंने इस लास्ट वीक भी कहा था कि जुबेर भाई चलो जिस मेडिकल जिस हॉस्पिटल में तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ है उस हॉस्पिटल में चलते हैं और तुम्हारी एमएलसी के लिए हम एक रिटर्न कंप्लेंट देंगे उनको, तो वो इमीडिएट हमको इश्यू करके देंगे। तो महाराज ने कहा कि बहन नहीं, मेरे को दोस्त यार लोग ने मना किया। बोले लोनावाला तो जाने के लिए ही मना किया है। हाँ लास्ट वीक तुमको जाने के लिए मना किया था, फाइनली फिर इस वीक तुम मेरे साथ में चले, तो तुमने क्या किया, तुम पहले चले गए और कोर्ट के पास चले गए और तुम लोनावाला पुलिस स्टेशन नहीं आए। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में मुझे पता चलता है कि कौन से हॉस्पिटल में तुमको लेके गए थे, एक्चुअली क्या हुआ था, बिग बॉस का हाउस किधर है, A to Z सब कुछ मैंने समझा। और मैं ना बहुत ज़्यादा तो नहीं छानी समझती अपने आप को, लेकिन इतनी होशियार हूँ, अगर तूने भी 20 से 25 गोली खाया था तो तूने आज गोली खाया, दूसरे दिन तू उठ के सीधा मेरे घर पे आ गया, तेरे को एक भी दिन बेड पे रहना नहीं पड़ा, ना तेरा फिल्टर, ना तेरा स्टमक फिल्टर करना पड़ा। हाँ कितने सबूत चाहिए तेरे खिलाफ मेरे को, तू झूठ बोल रहा था, झूठ बुलवा रहा था। मैं इंसाफ मांग रही थी कि तेरा मेडिकल नहीं हुआ, तेरा एमएलसी नहीं किया गया, केस फाइल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। इसको हटाने के लिए बोला गया वीडियो को, अगर हटा दिया होगा तो अच्छी बात है। ये जुबैर खान, ये तुम्हारे हंसने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे में जरा भी हिम्मत है ना, जरा भी माँ का दूध पिया बोलते ना, ऐसा कोई डायलॉग सुना था ना बचपन में, मेरे सामने आके खड़े हो ना, खाली तो 5 मिनट के लिए मेरे सामने आ, तेरे तेरे में कितना था मैं देखती हूँ। मैं तो तेरे को मैं बताती हूँ, जितना तू हंस रहा है बोल रहा है, तेरे दांत बत्ती से जितनी दिखा रहा है ना, नहीं जबड़ा तेरा हाथ में दिया ना तो शबनम शेख नाम नहीं, समझा तू। इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना और क्यों कर रहा है, उसको बिग बॉस में जाना है, वो बिग बॉस में वापस जाना चाहता है, इसके लिए उसने सब षड्यंत्र रचा। शायद ये शेरा वाला कॉल ओरिजिनल कोई शेरा ने किया है कि ये भी जुबैर खान ने करवाया, बोल नहीं सकते कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए। हाँ हो सकता है इसने करी किया हो कि कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा है, तो ट्विस्ट लाने के लिए इसने मुझे जीना, मेरा जीना हराम करवा दिया। ह्यूमैनिटी ग्राउंड में जैसे मैं लोगों की मदद करती हूँ, तो ये मेरे मुँह पर तमाचा है कि मैंने मदद की और मदद करके मैंने दुश्मनी मोल ली। और एक एक बात, मुझे जुबैर खान ने बताया था कि वो दाऊद से डायरेक्ट बात करता है। बोले मेरे को बहुत धमकी आ रही थी, मेरे को बहुत धमकी आ रही भाई, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा। तो बोले मेरे को भी बहुत धमकी आ रही थी, तो मैंने भाई को सीधा फ़ोन किया। मेरे किधर, कौन सा भाई? बोले ऊपर। मेरे किधर ऊपर? तो बोले दाऊद भाई को फ़ोन किया था। तो मैंने दाऊद भाई को फ़ोन किया था, हंसी हंसी आती मेरे को सही में। बोले दाऊद भाई को फ़ोन किया था, जब से मेरे को धमकी आना बंद हो गई। बोलता अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जिस बंदे के लिए हम लड़ रहे थे जुबैर, वो बंदा ही सच्चा नहीं है ना। मतलब जो बुनियाद है, मैं क्या मांग रही थी कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है तो एमएलसी किधर है, एमएलसी मिलेगी तो एफआईआर फाइल होगी, तो एमएलसी जब बनती है, जब इंसान आत्महत्या अटेम्प्ट करता है तब। तूने 2 गोलियां खाई, 3 घंटे के अंदर तूने डिस्चार्ज लिया, मैं तेरे लिए CCTV फुटेज चेक करवाती, मैं तेरे लिए बिग बॉस के सारे फुटेज चेक करवाती, सब कुछ करती, कब मालूम, जब तू जबान अच्छा रखता तब। तेरी जबान मैंने देख लिया, जो तूने मुझे वॉइस नोट भेजा ना बेटा, कि तेरे को डॉन बनने का लाइसेंस मिलता है, जो हैरेसमेंट मुझे हुए हैं, जो तकलीफ मुझे हुई है, जो फोन कॉल्स मुझे आते थे, वो सब कौन करवाता था? अभी आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हैं, बंद हो गए। पुलिस को कंप्लेंट गई है, तो सीधा सीधा कॉल बंद हो गया। क्लास नहीं है ना, वो क्लास नहीं है। अभी ऐसे इंसान ने, मैंने बताया ना, ये इंसान मुझे मिला कब, 1.5 साल पहले अपनी कंप्लेंट लेके आया था कि मेरी बीवी अपने बच्चे लेके चली गई है, ठीक है, उसके मायके हैं। तो मैंने बोला तुमने किया क्या,
जो अपने बच्चे लेके चली गई, तो बोले मैंने उसको 2 लाख मारा, मैंने 2 लाख मारा है ज़्यादा मारा, तो बोले बस मार दिया था। तो मैंने वो पेपर है ना लिया और मेरे पास रद्दी में पड़ा होगा पेपर वो, समझे क्यों? क्योंकि जो इंसान अपनी बीवी को मारा है वो 14 साल उसने कैसे निकाली, तेरे साथ में तेरी शादीशुदा लाइफ क्या बोलती है, आई रियली डोंट वॉन्ट टू नो। मैं इतना जानती हूँ जो आदमी औरत पे हाथ उठा सकता है मैं उसकी मदद नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तेरी मदद उस टाइम पर भी नहीं की थी। अब तू आया बिग बॉस का रोना लेके, बोले सलमान ने ऐसा बोल दिया, लेकिन तू तो चूतिया बना रहा है, हाँ झूठ पे झूठ बोला जा रहा साला हिजड़े। जुबैर खान, सफाई वो देते हैं जिन जो गुनहगार होते हैं। देखो मैं काम करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, 1 रुपया किसी से लेती नहीं हूँ, गाड़ी में पेट्रोल मेरा जाता है, एनर्जी मेरी जाती है, क्वालिटी टाइम मेरा रहता है, नाम मेरा रहता है, स्टैंडर्ड मेरा रहता है। मीडिया मुझे पहले से नहीं जानती थी, ये जुबैर खान की एक फ्लॉप पिक्चर कब बनाया था, लकीर का फकीर, पता नहीं किधर जाके कौन से डस्टबिन में गिरी, कौन से डस्टबिन में गिरी वो भी पता नहीं है। जुबैर खान को कोई जानता है कि नहीं जानता बम्बई में ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन शबनम शेख आपा को पूरा बम्बई जानता है, समझा गया भाई? तो तू क्या पब्लिसिटी की बात कर रहा है मेरे से?